नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्लिक। जब भी हमारे मन में रोजी रोटी का सवाल आता है तो अक्सर छवि किसानों की बनती है, मजदूरों की बनती है, कभी भी मछुआरों की छवि नहीं बनती। आज हम दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं, जहां पर भारी संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों से मछुआरे आए हैं ताकि वो अपनी रोजी रोटी के संकट को बता पाए। जब हमने यहाँ पर मछुआरों से बात की तो उन्होंने बताया कि ना सिर्फ उन्हें अब मछलियों को पकड़ने के लिए समंदर में दूर तक जाना पड़ता है और अक्सर उनकी जान खतरे में पड़ जाती है, बल्कि सरकार की अलग अलग नीतियों की वजह से भी मछली पालन अब दुरा होता जा रहा है। यहाँ पर आए कुछ लोगों से हमने बात की है, सुनिए उन्हें। पूरे देश से जो यहाँ पे फिशरमैन आए हैं, आप केरल से आए हैं, क्या वजह है कि आप लोगों को केरल से यहाँ से 2500 किलोमीटर दूर से आके यहाँ पे दिल्ली में अपनी बात रखनी पड़ रही है? क्या ऐसी वजह है कि आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग आया कितना, 2500 का ऊपर 3000 का किलोमीटर का आगे हम लोग इधर से आया। क्यों? केंद्र सरकार को बोलने आया हम लोग। क्यों? हम फिशरमैन, हम खरीब है। जो हम खरीब को देख लो पहले, तुम कितना कॉरपोरेट को भी देख लो, मगर वो राज का विकसन का कोई कोई चाहिए तो तुम ले लो, कॉरपोरेट्स का साथ तुम कर लो, मगर अपना छोटी मोटी फिशरमैन है। कितना विलेज है, फिशरमैन विलेज कितना सारा, हजार लाखों लाखों फिशरमैन है, मगर कितना भी तुम ब्लू इकोनॉमी बोल के ये न्यू सिस्टम लेके आ रहे, जो ब्लू इकोनॉमी का कारण से अपना फिशरमैन कितना सफर है, वो क्यों नहीं चिंता नहीं करने का? जो पहले ब्लू इकोनॉमी नहीं तो जो भी रहने दो, मगर एकदम पठन चाहिए, तुम एकदम अच्छा स्टडी चाहिए पूरे फिशरमैन का पास आके। तुम लोग का प्रॉब्लम क्या है? Nowadays our fish is very 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 low. There is no fish because of global warming, because of some other pollution and everything. This time they want to fish, they want to go deeper and deeper inside the, but they want to use kerosene for their they use outboard engines, they want kerosene. But the government of India is not giving sufficient kerosene. They are cut down the kerosene. If in Kerala, there is last year they are cut down half, and this year also cut down with again half. This is very, very, very cruel. These are the position. We are coming here to protest the government, and I think we got an appointment tomorrow to minister. We submit our points to him, and we are trying to get. Otherwise, we are coming again here, and this very huge number. This is a small number. These are our federations. दिक्कतें हैं कि बिहार में जो प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति जो कॉपरेटिव है, जो 1952 से लागू है, वो अधिकार मछुआरों का दिया हुआ है, लेकिन वहाँ इसमें इतना भ्रष्टाचार है, अपराधियों का बोलबाला है, और ख़ास करके सरकार के स्तर से नज़रअंदाज किया जाता है। चूँकि सरकार के स्तर से जब नज़रअंदाज होगा तो वहाँ कोई पदाधिकारी मछुआरों पर ध्यान नहीं देता है, और ख़ास करके आपदा के समय में, बाढ़ और सुखाड़ में भी मछुआरों को कोई सहायता नहीं मिलता है। ख़ास करके अभी भारत सरकार, केंद्र सरकार जल जीवन हरियाली योजना के तहत जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बेहद काम किए जा रही है, लेकिन कल परसों जो जल विश्व जल दिवस मनाया गया, लेकिन बिहार में बड़े बड़े जलकर कांवर झील, बलान, बैती, बागमती, जिसका गेट स्लेस गेट खोल करके पानी, एक एक इंच पानी निकाला जा रहा है। पदाधिकारी और सरकार के जहन में ध्यान नहीं है, तो कैसे हम जलवायु परिवर्तन को रोका जा सकते हैं, मानव जीवन को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है? मेरा बंगाल में जो फिशरमैन है, उसको जो गवर्नमेंट है ना, टीएमसी गवर्नमेंट, उसको नहीं सहायता कर दिया, वो कोनो सुजोग सुविधा जो छिलो लेफ्ट गवर्नमेंट रामोले, ये सरकार सब बंद कर दिया। हम लोगों को देखिए, मछुआरे हैं, हम लोगों को बिहार में सौतेला व्यवहार किया जाता है मछुआरों के साथ, और उचित जो है से हम लोगों को जो है काम रोजगार नहीं मिलता है। हम लोग जो है से दूसरे स्टेट को भटक रहे हैं, जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, और मछुआ के लिए जो हक होता है वो जो है से सरकार देती ही नहीं है, यानी सौतेला व्यवहार करती है मछुआरों के साथ। हाँ, इसीलिए तो हम लोग जो है से भटक रहे हैं, दूसरे राज्य को पलायन कर रहे हैं ना। आज सबसे अगर दयनीय स्थिति है तो मछुआरों को है इस भारत के अंदर, और बिहार में तो और ज़्यादा ही जो है से इसका समस्या है।
ब्लू इकोनॉमी के रूल्स है, तुम कौन सा मच्छी पकड़ने उतना ही मच्छी पकड़ने, अगर सिस्टिक टाइप ऑफ मच्छी है उसका आगे जो लिस्ट में एक मच्छी नहीं है अपना फिशिंग नेट में आ गया, हम क्या करूँ, उसको हम फाइन मारना पड़ेगा। जो 60 टाइप ऑफ मच्छी है वो मच्छी का अंदर ही हम पकड़ने हैं, उसका आगे जो मच्छी मना किया वो मच्छी अंदर आ गई तो ना अपने को फाइन मारना पड़ेगा। इसको भी है ब्लू इकोनॉमी में, ये लोग क्या करेगा, थोड़ी सी शुरू से शुरू करेगा, उसका बाद है ना 6 महीने के बाद नेक्स्ट रूल्स लेके आएगा, 6 महीने का ऐसे धीरे 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 ना 4-5 साल का होकर है ना पूरा ब्लू इकोनॉमी है ना लेके आते इधर। जो ब्लू इकोनॉमी 100% चालू होने के बाद है ना अपना फिशरमैन सोसाइटी को बिल्कुल समुद्र का अंदर भी नहीं जा सकते, क्यों, तेरे देश आए हैं, ठीक है वो भी इकोनॉमी का अंदर है, मगर ये इकोनॉमी क्या है, इसका कारण से तुम लोग को कुछ प्रॉब्लम है क्या, हमको भी समझना चाहिए ना, ये सरकार वो नहीं कर रहे। अलग अलग जो खनिज संपत्ति के नाम पर जो सागर तट में भी जो खनन का बात आज हो रहा है, उतना ही नहीं कुछ कुछ इलाकों में जो है जो सागर के किनारे जो रेत है और वहाँ जो अन्य खनिज के लिए भी ये खनन का बात हो रही है, जिसमें बहुत बड़े पैमाने में उन इलाकों में रहने वाले जो मछुआरे हैं उनका विस्थापन का डर है और मछली जो मिलने का भी जो है उसमें भी बहुत बड़ा एक कमी सागर में भी इन इलाकों में होने वाला है। और हम मछुआरों को भी खास करके गंगा दियारा क्षेत्र और बड़े बड़े बूढ़ी गंडक नदी में अपराधियों का बोलबाला है, जहां प्रशासन पुलिस प्रशासन उसको सुरक्षा दे नहीं पाता है और अपराधी को टैक्स दे करके मछली मारना पड़ता है, इसलिए मछुआरों का स्थिति दयनीय हो जा रहा है। हम लोग बिहार सरकार से भी मांग किए हैं कि मछुआरा नदी किनारे जंगल किनारे रहने वाले हैं इसको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, लेकिन हम समझते हैं कि हिंदुस्तान के अधिकांश राज्यों में मछुआरों को अनुसूचित जाति जनजाति का दर्जा प्राप्त है, बिहार में यह अभी तक नहीं मिला है। ये पेपर पर जो है सरकार कहती है जो मछुआरों के लिए ये अनुदान दिए ये अनुदान दिए, लेकिन ये जो है से जमीन पर कुछ नहीं आता है, वो ऊपरे खाना पूरी कर देती है सरकार और मछुआरों के लिए वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है बस, और मछुआरा का जो है जो मैंने जो आवास भी नहीं है, मछुआरा के शरीर पर कपड़ा नहीं है, मछुआरे के पास घर नहीं है, वो बेघर है, ऐसे खुले आसमान में मछुआरा जो है ये रहता है। तो आप बताइए ये सरकार निकम्मी सरकार है या जैसे इससे जैसे कुछ जैसे होने वाला नहीं है, ये माने ढकोसला की सरकार है। सरकार सुनेगा इसका मतलब लास्ट साल में ना सरकार नहीं सुना था, एक साल तक अपना पूरा स्ट्राइक इधर चालू था, किसका सर, किसान का सर, बाद में सरकार का सुनने का जबरदस्ती आ गया, आज नहीं तो कल सरकार सुनेगा, अगर सरकार नहीं सुनेगा ना सरकार नीचे आएगा, उसका बाद सुनने का जरूरत ही नहीं है।